नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब भी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज आईसीसी क्वालिफिकेशन का जो मैच नंबर 22 खेला जाएगा, जहां पे एक तरफ होगी श्रीलंकन टीम और दूसरी तरफ होगी नीदरलैंड्स की टीम। जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के साथ खेलने के लिए उतरेगी तो कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी की टीम? देखिए, लास्ट दो दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब थी। अभी भी आपको आवाज से पता चल रहा होगा, शायद आपको थोड़ी सी आवाज है जो डाउन लगे, लेकिन थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो आई होप आप उस चीज को समझेंगे। अब देखिए, दोनों टीमें जब एक दूसरे के साथ खेलने के लिए उतरेगी तो आपको अपनी फैंटेसी कैसे बनानी है? क्या आपको अगेन भेड़ चाल चलनी है कि आपने हसरंगा को कैप्टन बना दिया या फिर आपने निशंका को वाइस कैप्टन बना दिया, लीडे को बना दिया? तो उन सब भी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो विदाउट एनी सेकंड स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे कि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको जुड़ जाना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका जुड़ने का एक भी पैसा नहीं लगेगा। देखिए, आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के फायदे क्या होंगे? टॉस के बाद बहुत सारी अपडेट्स आती है, प्लेइंग 11 को लेके, पिच रिपोर्ट को लेके, तो वो सारी की सारी आपको यहां पे मिलेगी। तो विदाउट एनी कॉस्ट पे किए जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलेगी टॉस के बाद। उसके बाद वेन्यू को बात करते हैं, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब बुलावायो में ये मैच खेला जाएगा। अब देखिए ये वेन्यू है कैसा, यहां पर देखिए इस वेन्यू पे रन देखने को मिले हैं। जी हाँ, इस वेन्यू पे है ना, वो रन्स देखने को मिले, रन्स देखने को मिले। यहां पे जो पेसर्स है वो अच्छा कर लेते हैं, पेसर्स को विकेट मिलती है। अब देखिए, पेसर्स को विकेट्स कब मिलती है? जब दो टीमें खेल रही हो, वहां पे अगर श्रीलंकन टीम नहीं है तो यहां पे जो फास्टर्स है ना, जो पेसर्स है, वो विकेट निकालते हैं। लेकिन जब श्रीलंकन टीम किसी टीम के साथ खेल रही हो तो मैक्सिमम जो विकेट निकलती है वो स्पिनर्स के थ्रू निकलती है। क्यों? क्योंकि वनिंदु हसरंगा पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं पूरी की पूरी गेंदबाजी। स्टार्टिंग में जरूर श्रीलंकन टीम के लहिरू कुमारा और रजिता करते हैं, लेकिन फिर सारे के सारे ओवर्स है जो कि स्पिनर्स डालते हैं, थिक्चना डालते हैं, हसरंगा डालते हैं। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, कब स्पिनर्स के विकेट आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो मैचेस खेले गए हैं, देखिए लास्ट के जो 6 मैचेस यहाँ पे हुए, ये हाई स्कोरिंग है, जहां पे ओमान ने 318 कर लिया। ये कल ही का मैच है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में 6 विकेट पेसर्स को, सेकंड में 8। पेसर्स ने विकेट निकाली, स्पिनर्स को विकेट नहीं मिली। यहां देखोगे, ये देखिए 27 जून श्रीलंका ने 245 किए, स्कॉटलैंड ने 163, पेसर्स को 3 फर्स्ट इनिंग्स में, 3 ही सेकंड इनिंग्स में, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में स्पिनर्स को 7, सेकंड में 5। यहां पे देखोगे ये भी हाई स्कोरिंग है, आयरलैंड चेज नहीं कर पाया। फर्स्ट इनिंग्स में स्पिन पेसर्स को 7, सेकंड में 3। स्पिनर्स को देखोगे फर्स्ट में 2, यहां पे आप देखोगे स्पिनर्स को 7 विकेट मिले, पेसर्स भी यहां पे आए गेम में। उसके अलावा देखोगे यहां ये लो स्कोरिंग मैच है, जहां पे ओमान पहले बैटिंग कर रहा था, यहां पे आपको स्पिनर्स के विकेट देखेंगे, पेसर्स के भी दिखेंगे। यहां देखोगे ये भी आप ऐसा बोल सकते हो एवरेज मैच था जो स्कॉटलैंड ने चेस कर लिया। यहां पर थोड़े से आपको स्पिनर्स के कम विकेट देखने को मिलेंगे कंपेरिजन टू पेसर्स। यहां पर अगर आप देखोगे श्रीलंका ने 355 के, यूएई 180, यहां पे आप देखोगे तो आपको स्पिनर्स के विकेट देखने को मिलेंगे। तो यहां पे ये नहीं है कि अभी स्पिनर्स को, दो टीमें जब खेल रही हो तो उनके स्पिनर्स कैसे उसी भी यहां पे विकेट मिलती है कि वो कितने ओवर्स डालते हैं। टोटल 93 विकेट में से 48 पेसर्स को, 45 विकेट है जो कि यहां पे स्पिनर्स को देखने को मिली है। बाकी यहां पे अगर आप लोग देखोगे टोटल, यहां पे देखोगे 77 मैचेस खेले गए हैं। जी हाँ, टोटल 77 मैचेस खेले गए, 31 मैच है जो कि बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं और 43 मैचेस है जो कि चेजिंग करने वाली टीम ने यहां पे जीते हैं। वेन्यू स्टेट्स का देखोगे आप लोग तो यहां पे आपको दिखा देता हूं कि 200 से नीचे की स्कोरिंग 19 टाइम है, 200 249, 23 टाइम है, 249 299, 17 टाइम है, 300 से प्लस का 18, हर टाइप की स्कोरिंग यहां पे दिखी है। 242 का एवरेज स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर 399 का पाकिस्तान है, लोएस्ट स्कोर जिम्बाब्वे का
का 67 पिच सुटेबल फॉर पेसर्स प्लस स्पिनर्स, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कब कौन सी टीम खेल रही है, उनकी स्पिनर्स क्वालिटी क्या है, ओवरऑल वो सारी चीजें यहां पे डिपेंड करती है, तो वो चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। हेड टू हेड मैचेस में टोटल 3 मैच खेले गए इन दोनों टीमों के बीच, श्रीलंका ने जीते हैं, ये भी श्रीलंका ने, ये भी श्रीलंका ने। यहां पर कोई भी एक्टिव प्लेयर है नहीं है जो कि उस टाइम खेल रहा था, जब ये मैचेस थे उस टाइम इनमें से कोई भी प्लेयर नहीं खेल रहा था, तो यहां पे आपको उनके स्टैट्स नहीं दिखेंगे। बाकी अगर पावर प्ले स्टैट्स की बात करते हैं, इसको भी समझ लेना क्या हो रहा है। 0-1 पावर प्ले में क्या, फर्स्ट इनिंग्स में 2, सेकंड में 2, फर्स्ट में 2, सेकंड में 2, फर्स्ट में 4, फर्स्ट में 4। तो यहां पे थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग्स में ना वो शायद पेसर्स को मूवमेंट मिल रहा है, तो वहां पे कई कई मैचेस ऐसे हो रहे हैं जहां पे जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो डोमिनेट हो रही है, बट ये शायद आपको नीदरलैंड की टीम पहले बैटिंग करे तो दिख जाए, श्रीलंकन टीम में आपको डोमिनेशन नहीं दिखना चाहिए अगर वो पहले बैटिंग भी करते हैं। बाकी श्रीलंका की प्लेइंग लिए उनके बारे में बात करते हैं। देखिए चेंजेस नहीं होने चाहिए, सेम की सेम ये टीम होनी चाहिए, पथुम निशंका है, ओवरऑल इन्होंने ठीक ठाक किया है। दिमुत करुणारत्ने का देखोगे तो लास्ट मैच को निकाल दो तो इन्होंने भी अच्छा किया। कुशल मेंडिस का आप देखोगे तो लास्ट के 2-3 मैच उतने बढ़िया नहीं है। समर विक्रमा ने ओवरऑल ठीक किया है। असलंका ने जितनी बार इनको बैटिंग मिली है उन्होंने अच्छा किया है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है जो कि आप इनके रोल यहां पे देख सकते हो। डिसिलुआ जितना इनको मौका मिल रहा है ये उनमें अच्छा कर रहे हैं। दशुन सनाका का भी आप देखोगे मौके इनको ज्यादा मिल नहीं रही है क्योंकि वीक टीमों के साथ खेल रहे हैं। हसरंगा का आप क्या ही कहोगे, हर मैच में आपको विकेट्स दी है। कसुन रजिता ने आपको विकेट्स दी है। लहिरू कुमारा का भी देखोगे, अब देखिए पेसर्स के खाते में आपको उतनी ज्यादा विकेट्स नहीं दिखेगी क्योंकि ओवरऑल सारी विकेट्स हसरंगा ही निकाल रहे हैं। थिक्षना ने भी अच्छा किया है, लास्ट के 2 मैच में 5 विकेट निकाल चुके हैं। लहिरू कुमारा और जो रजिता है वो डेथ में गेंदबाजी करते हैं। बेंच से आप देखोगे तो यहां से अगर कोई भी आता है, महेश पथिराना हो गए, चमीरा हो गए। अब देखिए चमीरा खेल सकते हैं, पहले ये है ना वो थोड़े से फिट नहीं थे इसलिए नहीं खेल रहे थे, बाकी जो चमीरा है वो खेल सकते हैं और ये बल्क में विकेट निकालते भी हैं। अब क्या होता है डेथ में आप क्या कर सकते हो, देखिए डेथ आपको दिखेगा नहीं क्योंकि श्रीलंकन टीम है वो पूरी गेंदबाजी नहीं कर रही है, लेकिन वनिंदु हसरंगा ठीक ठाक करे, स्टार्टिंग ये करेंगे कसुन रजिता और जो लहिरू कुमारा है ये स्टार्टिंग करेंगे मैच की। फुल स्टेट्स की बात करते हैं, देखिए पथुम निशंका हेड टू हेड रिकॉर्ड्स आपको किसी के भी नहीं दिखेंगे क्योंकि नीदरलैंड के अगेंस्ट जो 3 मैच हुए वहां पे ये प्लेयर नहीं खेल रहे थे। वेन्यू पे रिकॉर्ड 63 का है निशंका का जो कि काफी बढ़िया है। ओवरऑल अगर ओडीआई देखोगे 37 का, तो यहां पे भी अच्छा है, हेड टू हेड भी अच्छा है, तो पथुम निशंका आपके लिए बनते हैं चाहे पहले बैटिंग करे चाहे पहले बॉलिंग करे। करुणारत्ने का देखोगे 4 मैच में 74 का एवरेज वेन्यू पे है, 33 का एवरेज इनका ओडीआईज में, और ये भी आप बोल सकते हो प्लेयर बढ़िया है लेकिन मैक्सिमम जो मैचेस इन्होंने खेले हैं वो वीक टीमों के साथ खेले हैं, बाकी वीक टीमों को अच्छा डोमिनेट कर रहे हैं। कुशल मेंडिस 7 मैच में 46 का एवरेज है जो कि वेन्यू पे है, 30 का एवरेज ओवरऑल इनके ओडीआईज में है, 102 मैच ये खेल चुके हैं। याद रखना अगर श्रीलंकन टीम पहले बैटिंग करती है ये आपके लिए गेम चेंजर कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी समर विक्रमा है 4 मैच में 60 का एवरेज है वेन्यू पे है, 33 का एवरेज इनका ओवरऑल ओडीआई में, अगर श्रीलंकन टीम पहले बैटिंग करती है आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आपको लेना है। असलंका वेन्यू रिकॉर्ड 4 मैच में 74 का एवरेज है, ओडीआई देखोगे 31 मैच में 42 का एवरेज है, फर्स्ट बैटिंग में ट्राई करना, चेजिंग में मत करना। सेम डिसिल्वा का है 7 मैच 32 का एवरेज 1 विकेट, ओवरऑल देखोगे तो 27 का एवरेज है और 41 विकेट ये निकाल चुके हैं। फर्स्ट बैटिंग में आप इन चारों के साथ इनमें से एक को ऐड कर सकते हो, डिसिल्वा या असलंका। डिसिल्वा के साथ आपको थोड़ी सी बॉलिंग ऑप्शंस भी मिलेंगे। बाकी अगर आप लोग देखोगे दशुन सनाका है, उतनी बैटिंग इनको मिल नहीं रही है, ओवरऑल 24 का एवरेज है, 20 विकेट है, 2 विकेट यहां है, 6 मैच में 2 का एवरेज है, केवल 6 रन किए हैं इस वेन्यू पे। हसरंगा 4 मैच में 18 विकेट निकाल चुके हैं वेन्यू पे, टोटल 45 मैच में 63 विकेट है और 23 का एवरेज भी है। उसके अलावा देखोगे कैप्टन चॉइसेस में रहेंगे, रजिता है 4 मैच में 3 विकेट वेन्यू पे, तो ओवरऑल चॉइस में 31 है तो इनका ठीक है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। लहिरू का देखोगे 4 मैच में 6 विकेट वेन्यू पे है और 25 में 33, तो इन्होंने भी बढ़िया किया है। थिक्षणा के 4 में 6 विकेट है वेन्यू पे, ओवरऑल 18 में 21।
यहां पे आपको दोनों स्पिनर्स थिक्षणा और हसरंगा को रखना है, और अगर आप ड्रॉप करना पड़े तो आपको लहिरू और रजिता में से कर देना, इनके पास स्पेस है लेकिन इनके पास स्विंग काफी बढ़िया है, तो वो चीज ध्यान में रखना, ये ज्यादा गेंदबाजी कर सकते हैं, तो रजिता रख सकते हो इसी सिचुएशन में। बैंक से अगर कोई आता है तो देख लेना, यहां पे आपको सबसे बढ़िया है, देखिए आपको चमीरा के 44 में 50 मिलेंगे, ये आ सकता है, या फिर करुणा रत्न जिनके 27 के एवरेज प्लस 24 विकेट इनके हाथ में रहती है। बाकी यहां पे नीदरलैंड्स की प्लेइंग लिए उनके बारे में बात करते हैं, विक्रमजीत की बात करते हैं तो आपको ठीक ठाक स्टैट्स देखने को मिलेंगे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, मैक्सो डाउड है, आपको ओवरऑल ठीक ठाक दिखेगा जैसे ये प्लेयर है। यहाँ पे वैजली बैरेसी का देखोगे तो उतने खास स्टैट्स नहीं है, ये 90 जरूर आया। बशनी लिड्डे ने यहाँ पे अच्छा किया है। यहाँ पे तेजा निदामुनरू का देखोगे तो लास्ट मैच में 111 है, बाकी यहाँ पे 158 रन भी किए। स्कॉट एडवर्ड्स का देखोगे तो इन्होंने भी बढ़िया किया है, 67 है 67 है 83 है। सकीब जुल्फेकर 3+2 34+0 10+0 56+1, तो आपको दोनों चीजों से कंट्रीब्यूशन देते हैं। लोगन वैन भी 28+1 4 विकेट 12+1 0 8+2। आयान दत्त का देखोगे तो उतने खास स्टेट्स नहीं है, फ्लोइड का देखोगे तो इनके भी ठीक नहीं है, विवान किंगमा का देखोगे तो इनके यहाँ पे 2 विकेट, देखिए विकेट्स निकाली है किंगमा ने, ओवरऑल हर मैच में विकेट्स आपकी इनको देखने को मिलेगी। बाकी बैंक से अगर कोई आता है न्यूयॉर्क क्रॉस है सिराज अहमद, बट मुझे नहीं लगता कोई आना चाहिए। अब गेंदबाजी कैसे होती है देखिए, डेथ में आर्यन दत्त आते हैं, वैन बीक आते हैं, विवियन किंगमा, वैन बीक, विवियन किंगमा, तो आप ऐसा बोल सकते हो ये तीनों है वो गेंदबाजी करते हैं 45 ओवर के बाद। स्टार्टिंग के ओवर्स वन बीक करता है, विवियन किंगमा करता है, ये ध्यान में रखना। आई होप आपको यहां से समझ आएगा कि कौन कौन गेंदबाजी करता है। फुल स्टैट्स की बात करते हैं, विक्रमजीत की बात करते हैं, देखिए हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे भी नहीं है, 21 मैच में 30 का एवरेज है और 5 विकेट, इनका ओवरऑल स्टैट्स आपको देखने को मिलेगा। मैक्सो डाउड है, हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे नहीं है, 29 मैच में 39 का एवरेज है। अब देखिए इन दोनों में से आप एक को ट्राई कर सकते हो, और अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो आप दोनों को भी ड्रॉप कर सकते हो, ये चीज ध्यान में रखना। थोड़ा सा मुझे डाउट से विक्रमजीत बेटर लगे, क्यों लगे, मैंने लास्ट मैच में डाउट को खेलते हुए दिखा, ये थोड़ा सा लेग साइड को ज्यादा टारगेट करते हैं, अगर इनको ऑफ में भी गेंदबाजी मिल रही है तो इस तरीके से खेलने की कोशिश करते हैं, तो अगर कोई प्लेयर केवल एक साइड खेलने के लिए जा रहा है तो उसके लिए उतना इजी नहीं होता। बैरेसी हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे नहीं है, 41 मैच में 29 का एवरेज है, मैं आपको स्मॉल लीग में उतना सजेस्ट नहीं करूंगा। बशनी लिड्डे हेड टू हेड नहीं, वेन्यू पे नहीं, 27 मैच में 22 का एवरेज, 16 विकेट है, वाइस कैप्टनसी दे सकते हो आप इनको। निदामरू का देखोगे हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे नहीं है, 16 मैच में 37 का एवरेज ओवरऑल रहता है, लास्ट मैच में अच्छा किया बट मैं स्मॉल लीग में शायद ना लेके जाऊं। एडवर्ड्स को भी मैं शायद नहीं लेके जाऊंगा, 34 मैच में 41 का एवरेज है। यहां पर देखोगे जुल्फिकर है, हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे नहीं है, 9 मैच में 4 विकेट है, तो शायद उतनी गेंदबाजी नहीं करते। लोगन वीक है, आपको लेना है, 21 मैच में 20 का एवरेज, 28 विकेट है, इनको मैं लेके जाऊंगा। आर्यन दत्त ले सकते हो, 21 मैच में 15 विकेट है, इनके ओवरऑल देखोगे आपको एक आधा ओवर इनका 45 ओवर के बाद भी मिल सकता है। फ्लोइड का देखोगे 6 मैच में 5 विकेट है, उसके अलावा देखोगे किंगमा का देखोगे 18 में 21 है। ओवरऑल आप देखोगे किंगमा डेथ में आते हैं तो किंगमा और लॉगन वीक इन दो को रख सकते हो, लेकिन अगर नीदरलैंड की टीम पहले बॉलिंग करती है तो यहां पे आप आर्यन दत्त ऐड कर सकते हो, ऊपर से केवल एक बैट्समैन ट्राई कर सकते हो, बैट्समैन ही नहीं, आप बस इसके साथ और बशनी लिड्डे, ये 4 के साथ जा सकते हो अगर पहले बॉलिंग कर रही है नीदरलैंड टीम, पहले बैटिंग कर रही है तो ऊपर से आप विक्रमजीत को ट्राई कर सकते हो। बाकी बैंक से इनमें से कोई खेलता है तो देख लेना, 10 मैच में 13 विकेट है, वो सिराज अहमद के हैं। बाकी अगर आप लोग प्लेयर्स बैटल देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों टीमें खेली है, लेकिन ये दोनों जो प्लेयर है ना दोनों टीमों के, ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं खेले हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी देखिए टीम मैंने कैसी बनाई है, सबसे पहले तो ये फाइनल टीम नहीं होगी, इसके साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम आपको यहाँ पे मिल जाएगी, समझ रहे हो, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप जरूर से जुड़ जाना। टीम समर विक्रमा, कुशल मैंडिस को मैंने वाइस कैप्टन दी, लेकिन वाइस कैप्टन से आपको देनी तभी है जब श्रीलंकन टीम पहले बैटिंग करती है। निशंका, करुणारत्न, विक्रमजीत सिंह, समर विक्रमा को उस कंडीशन में लेना मत अगर श्रीलंकन टीम चेजिंग करती है।
लैन वीक है, हसरंगा कैप्टन, बजरी लीडे, थिक्षणा हो गए, रजिता हो गए, ए दत्त हो गए, ए दत्त की जगह किंगमा ले लेना, समझ रहे हो, ए दत्त की जगह जो किंगमा है उसको आप अपनी टीम में ऐड कर सकते हो। तो बस ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है, इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।